हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो सेशन बनाया था जिसमें स्टूडेंट को बताया था कि जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किए हैं या फिर केवल कट ऑफ क्वालिफाई किए हैं, उनका रैंक है वो काफ़ी लो है, या जो बच्चे जिनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, उनका परसेंटेज कम है सीसीएम काउंसलिंग में, तो ऐसे स्टूडेंट्स का भी एडमिशन पॉसिबल है। किसके थ्रू? सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम के थ्रू, या जो स्पोर्ट राउंड होते हैं उनमें आपका एडमिशन पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारा स्पेशल एडमिशन प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन लेके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस की मॉनिटरिंग, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस हमारे द्वारा हैंडल किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी अच्छे एनआईटी में सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर, सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम का फीस बहुत ज़्यादा होता है। जी नहीं, जो स्टूडेंट जेईई स्कोर के थ्रू एडमिशन लेते हैं ना, उनकी फीसें केवल एक सेमेस्टर में 10 से 15 हज़ार रुपये ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, केवल 10-15 हज़ार रुपये का ही, मैक्सिमम 15 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आप पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन पॉसिबल है, किस तरीके से पॉसिबल है, तो स्टूडेंट्स आप हमारा सेशन जरूर देख लेना।